नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हाथरस में दौरा। जिलाधिकारी हाथरस आशीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल के रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या स्नानकोत्तर महाविद्यालय हाथरस में आयोजित सर्वोदय महोत्सव कार्यक्रम में आगमन के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगर उप जिलाधिकारी, सदर प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया कि महामहिम राज्यपाल महोदय के आयोजित कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले लोगों की गहनता से जांच करने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाए। हाथरस से संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट।